नमस्कार। सुबह के 5 बजे है और हम लोग हैं पेंच टाइगर प्रोजेक्ट पे। सामने देख रहे हो आप, जस्ट भोर होनी शुरू हो चुकी है और 6 बजे की हमारी सफारी है। हमारा जो गाइड है वो अभी 6 बजे हम लोगों को यहाँ लेने आएगा। यहाँ से जस्ट आगे एक 500 मीटर पे मेन गेट है, तो देखते हैं कौन कौन शेर हम लोगों को देखने मिलते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए। हेलो, हाय। बहुत ही एक्साइटेड हूँ शेर देखने के लिए, पर ना जाने हमारा गाइड कहाँ चला गया, अभी तक आया नहीं। हम बहुत वेट कर रहे हैं, जल्दी से आना चाहिए उसने, बहुत वेट कर रहे हैं हम। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई है और हम जंगल सफारी के लिए निकल चुके हैं। निखिल 6:45 आया करें। हाँ दीपक। हाय सर, कल बहुत बहुत यानी बहुत ही बड़ी बारिश हुई है, इसकी वजह से आज मौसम बहुत खुला हुआ है, तो हम बहुत एक्साइटेड है ऐसा मौसम देखने के लिए और खास करके शेर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ सर। यहाँ पर टाइगर के फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, काफी बड़ी साइज है। ये देखिए बहुत बढ़िया। सामने बायसन दिख रहे हैं, दो बायसन है, इसी वजह यहाँ पर शेर आने से थोड़ा डर रहा है। Thank you.
आप तक टाइगर की गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। बड़े आराम से इत्मीनान से सो रहा है। हाँ तो कैसा लगा आप लोगों को पेंच टाइगर प्रोजेक्ट? बहुत अच्छा लगा। जब मैं अभी रिटायर होके घूमने आया जी, पूरी सर्विस के बाद ऐसा देखा भाई अभी घूमे, रिटायर के बाद घूमेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। हाँ। तो मालूम गिरा है, थोड़ा इतिहास पढ़ा है, उसमें देखा कि भाई पेंच में बहुत अच्छे टाइगर हैं। हाँ। हर तरीके के ये पक्षी है। हाँ। उसके बाद बंदर है। हाँ। तो जब हम घूमे तो घूमे के बाद ऐसा दिलासा मिला। हाँ। हमको। हाँ। कि हमने तो तीन तीन टाइगर देखे। हाँ। और वो भी नजदीक से। अब सब जब हमने जो पढ़ा था ज्योग्राफी में कि भाई टाइगर के पास जाने का नहीं, टाइगर बहुत रहते, पर एक्चुअल में आज मेरी 58 की उम्र में आज टाइगर पहली बार देखा। और तीन तीन टाइगर देखे, वो भी हर तरह के। बढ़िया। अच्छा आनंद, आप क्या कहोगे? हमने कल सफारी ट्रैक में लेपर्ड देखा, लेपर्ड जिसका हम बिप्टा बोलते हैं वो देखा, और बहुत नजदीक से बिप्टा ने हमको दर्शन दिया। दूसरी बात, हम जंगल घूमने अंदर तक गए तो वहां पर दो टाइगर, इंडियन टाइगर मिले हमको, और एक टाइगर तो इतना नजदीक था कि उसने हमारे तरफ मुड़ के देखा तो हम डर गए कि अभी हमारे ऊपर अटैक करेगा क्या। इतना बढ़िया हमको दर्शन दिया टाइगर ने, बहुत ही बढ़िया। खुशनसीब हो आप लोगों को इतने नजदीक से टाइगर देखने को मिला। अच्छा दीपक, कैसा रहा? सर बहुत ही इंटरेस्टेड रहा। मेरे लाइफ में ये पहला ऐसा सफर है आज कि मैं इतना नजदीक से सब ये देख पा रहा हूँ। आजकल सब जो मैं देखता था कि सर्कस में जाके शेर को देखते थे वो पिंजरे के अंदर, बच्चे थे। हाँ, तो बच्चे थे।
तो अभी देखा तो सब यानी अद्भुत है सच में। और जैसे कि सर ने बताया, जैसे शेरनी अचानक अपने सामने से आई और देखा तो अचानक से देखने को मिली, तो थोड़ा सा ये हुआ प्रेशर आया कि अरे ये तो मुड़ के देख रही है, कुछ होगा शायद। पर ब्यूटीफुल नज़ारा था सच में, तारीफ है। मैं तो सबको कहूँगा कि यहाँ पे जरूर आना चाहिए, लाइफ में एक बार तो भी आना चाहिए, पर पक्का जरूर आना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे आप सभी लोगों का पेंच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सचमुच ऐसे भी कहते हैं कि किस्मत वालों को ही शेर देखने मिलता है। जी सर, जरूर। और सचमुच इन लोगों ने एक ही दिन में तीन तीन शेर देखना, कोई सादी बात नहीं है। तो ये निखिल है जो लास्ट 4 साल पहले हम लोग आए थे, तब से इसकी पहचान हुई है। और शायद 4 साल बाद मैंने 2-3 महीने पहले उनको कांटेक्ट किया कि भाई मैं आ रहा हूँ तो मुझे फिर से सफारी करनी है। तो निखिल ने बहुत अच्छी तरह से पूरा बंदोबस्त रखा और हमें सुबह सुबह वो सफारी लेके गया, टाइगर दिखाए। निखिल बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा गाइड है। निखिल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।